अस्सलाम वालेकुम जनाब, गाली सर आज जम्मू छोड़ा लगा भी ये रजा साहब है माशाल्लाह ईरान से मसा मुड़ के आया है। ईरान गया हुआ था या मिठाई है ईरान की चंगी है खाऊं लो मैंने फिर उपलो डबो दे जी हूँ पढ़ाऊँ लोगों ने। अच्छा ये गुलाम साहब है बड़ी याद आ रही गुलाम साहब सारी ये हमारा आसफ साहब है आसफ ना लगे या दुनिया चढ़ी है या घर को जाएगी जिस बिल्डिंग के थले ऐसा खड़े हुए हमने हमने क्या वो कोई पता नहीं होता या कान तेज है इतनो फोबियो इस आदमी ने हूँ हम दसा जी हमारा हाँ रजा ने यह शाल आनी है मेरा वास्ते ये इसको पकड़ना आसफ पकड़ के बता ना यार खोल के बता ईरान से स्पेशल गिफ्ट लाया है रजा ने और ऐसे ही डाली थी उसने भी कि वकार भाई आपके लिए तोहफा है जी माशाल्लाह पीछे से मुड़ो जी वैसे दूसरी तरीके से हाँ पहले रखो ना हाँ। कुछ इस तरह की गल चले लगी मी तो खैर हूँ जम्मू ने छोड़ने को वक्त आ गया वह चंगो कंटेंट भी क्रिएट किया और एक और हस्ती आ गई है मसा दिल्ली से लैंड हुई है ना सर वालेकुम सलाम जनाब ये हमारा आजाद भाई है जी नेशनल कांग्रेस का अच्छा दिग्गज नेता है माशाल्लाह जी जी इस पार्टी का काम ना दिल्ली निकल गया था है जी जी सर केड़ा बेड़ा है मुड़ गया बस आज ही उन्हें थोड़ी देर तक अपन तो अच्छा जी जी तो हम इसे कार चले हूं हम चल पे कार नहीं होते भाई बकार सा ना सपोर्ट करो बहुत जरूरत है आज का टाइम यूट्यूबर के अच्छा मोदी भी क्या बेल आइकन का ना बेल आइकन ना है दवाइयो दवाइयो क्योंकि नरेंद्र मोदी जड़ा है एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाल नाल एक यूट्यूबर है और कांग्रेस वाला ने बड़ी चूह है यह गल मोदी साहब हमारा नाल है ना जी हम यूट्यूबर है ना हूँ यह है कि गड्डिया ही अदलो बदली करा ला समान लदन ला भी है जनाब रजा साहब लगा हुआ है पता नहीं क्या क्या गिफ्ट लाए रजा भाई सब कुछ आपके लिए ये पूरा बैग है इसमें जो जो चीज है जो कुछ लगता है। अच्छा रजा साहब अब बताए सारा बीर अगले साल गट्टा चलना इराक ईरान ते सीरिया त्रेवां मुल्खां दा हालात की है सीरिया की बहुत बुरी हालत है ईरान कंपैरेटिवली थोड़ी ठीक है ठीक थोड़ा ऊंचे बोलो ना इससे ऊंचे कितना बोलूंगा जी अच्छा हूँ दसो सीरिया की बहुत बुरी हालत है ठीक है इराक थोड़ा ठीक है ईरान कंपैरेटिवली अच्छा है सही में हाँ लेकिन इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है इकॉनमी खत्म है बिल्कुल इकॉनमी किसकी सीरिया की सीरिया की इंडिया का 1000 सीरिया का 16 लाख बनता है तो नहीं ईरान ईरान के बारे में दस के ईरान ईरान का लोगों की जिंदगी किस तरह की है मतलब जिंदगी अच्छी है लोग थोड़ा सा है कि इकोनॉमिकली वही लोग थोड़ा हार्डशिप फेस कर रहे हैं तो जिस वे सीरिया का होटल में रोटी खाने जा तो कितना पैसा कोल लिया जा सच दसिए 2-3 लाख रुपए ले जाना दोस्तों कसम नाल वहां का 2-3 लाख उतको 2-3 लाख खाली रोटी खाने वास्ते लिया जा तो पैसा वास्ते बैग रखे हो सही पूरा ये बड़ा बैग में पारे खड़े है तो पैसे नहीं यार सीरिया के पैसे अच्छा ये तो इंडिया को इंडिया वो 1000 रुपये तो 16 लाख बने हैं कितको सीरिया को तो ईरान को कितने बने 5 लाख तो इराक इराक को इराक अच्छा इराक की इकोनॉमी अच्छी है 16000 बनते इराक चलो जी अल्लाह खैर करे कटो गड्डी इस वे हम सारा ही जान ला क्योंकि रजा ने भी कार मुड़ के पुंछ जानू है गरसाई का रहने वाला ये और हमने नका मजाड़ी जानू है तकरीबन मारो सफर गठा ही वह मेरी गड्डी वो उपला पास लगी हुई है गड्डी अपनी पकड़ा तो निकला इतना दोस्तों गल इस रहा है कि कार जाऊं तो जाता जाता नेहा है ये हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है माशाल्लाह पेशा तो एक वकील है ये और कल का शूट हुआ में तो उन्हें तके हुआ वो नेहा ने द एक्टर द अल्लाह तूफान है ना ये खैर मैं तो नेहा ने मिल गया बहुत सारी जो आने वाला कॉन्टेंट है उस पर गल भी की क्योंकि वो जाऊं तो या मैंने मिलन भी आई है चलो जाता जाता मुलाकात कर लिया लेकिन नेहा अच्छो गावे भी है मैं क्या नेहा फिर जाता जाता कोई सड़ा छोड़ गाइए जी जी सर बिल्कुल मैं सपना जहां एक गाना है जी 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 उस वो उसके कुछ बोल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जनाब इरशाद गाइए सपना जहां दस्तक ना दे चौखट थी वो राहे मेरी ब
बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी जब से पड़े तेरे कदम चलने लगी माशाल्लाह। मैं और नेहा ये भी सोच रहे हैं थोड़ी जी मिन्ना की है ना उर्दू नहीं गड़ा है ना गल गोजरी में करो ज्यादातर जी 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 हाँ जी गल इजरा एक बोला वो ड्रामो नहीं है पाकिस्तान वालों रांझा रांझा करती आम सोच रहा था उन्होंने नेहा भी शुरू करा उस पर अपने गल भी की है स्क्रिप्ट भी अपने चेक की है नेहा ने एक्चुअली दसनी थी समझानी थी गल शल सारी होगी नेक्स्ट टाइम आऊँ जम्मू आऊँ हफ्तों एक नेहा बड़ी जड़ी है परेशान है थोड़ी कार में काम लगो व कोठा को कुत्तो एक रखे हो तैडी वो इस तू बगैर नहीं रहते है इसका नाल की गीत गीत पूछिए इन्हें कुत्ता ही पे ही रहता है कुत्ते का नाम क्या है कुत्ते का नाम डियाना है डियाना हाँ। अच्छा कुत्ती है फीमेल है अच्छा फीमेल है तभी है तो खैर आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि नेहा की आवाज कैसी है जाना चाहिए इंडियन आइडल में कि नहीं कि थोड़ी रियाज करनी चाहिए है ना धूल मिट्टी से गाना सारा खराब है गला मेरा हाँ हाँ तो इनको सारी वो है ना पूरी होती ना रिस्पांसिबिलिटी घर की इनके ही सारे हैं क्योंकि इनकी दूसरी सिस्टर जो कश्मीर गई हुई है तो सारों कार को जुड़ो है ना वो काम जाम इसे ऐसी रहे बेचारी है कोर्ट भी आई कोर्ट जाते हो जी नहीं आजकल तो नहीं जाते नहीं आजकल मैंने थोड़ा ऑफ कर दिया है जी तो ठीक है नेहा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी तो पुंछ से वापस आते हैं हम फिर शूट के लिए आएंगे जम्मू जी। तो हमारी कोशिश है कि मल्टी कंटेंट पे जो है काम की हो जाए नेहा नाल तो नेहा हमारा चैनल नाल काम करेगी बहरहाल इतनी गल है कि वह नहीं पक्की गल भी नहीं है क्योंकि नेहा बिजी बहुत है अगर फ्री होगी तो इंशाल्लाह काम करा क्या हाल है जी वकील साहब जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सर अल्लाह हाफिज चला फिर दुआओं याद रखियो बाय बाय।